Hello, good morning friends. I am Nishant Kumar here to discuss about the basic electricity topic, basic science and engineering drawing subject. हम लोग यहाँ पे आपको जो RRB ALP टेक्नीशियन का स्टेज सेकंड में पार्ट ए जो है वहाँ पे आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो डिस्कस करना है, मैंने उसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक स्टार्ट किया है. इससे पहले मैंने बेस यूनिट एंड डायमेंशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, मास एंड डेंसिटी, सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन और भी सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे हैं. आप वहाँ पर जाएं और उस सब टॉपिक को भी देखें. बात करूँ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने ओम्स लॉ डिस्कस कर लिया है, कूलम्स लॉ डिस्कस कर लिया है, रेजिस्टेंस पढ़ा है, कैपेसिटेंस पढ़ा है. हमने रेजिस्टेंस पे पूरा न्यूमेरिकल किया है, आप वो सब जाकर देख सकते हैं. अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज देखें. तो चलते हैं. अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो इससे पहले मैंने रेजिस्टेंस से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए थे, स्पार्क और आपको उपकार पब्लिकेशन के हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं. आज हमारा टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्ट करने वाला है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और आपको मैं बता दूं कि मैं ये प्लेटफॉर्म की जो बुक है मैं उसको डिस्कस करता हूं यहां पे, तो इस क्योंकि इस बुक में भी बहुत सारी वीकनेस है जो मैं उसको कम्प्लीट करा देता हूं. तो आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की. टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कितने तरह का होता है जी? तो दो तरह का होता है, एक डीसी होता है, क्या होता है? एसी होता है. एक क्या होता है? डीसी होता है. एक क्या होता है जी? एसी होता है. तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं डीसी की. तो डीसी क्या होता है जी? डायरेक्ट करंट. देखिए यहाँ पे करंट क्या है जी? टाइम एक्सिस है, ये क्या है? करंट एक्सिस है. तो यहाँ पे देखिए करंट जो है, करंट का डायरेक्शन क्या है जी? हमेशा पॉजिटिव है. करंट का डायरेक्शन क्या है जी? पॉजिटिव है. तो ये क्या है और ये करंट क्या है? फिक्स है. इसका अमाउंट क्या है जी? फिक्स है. तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट. क्या बोलेंगे जी? डायरेक्ट करंट बोलेंगे, या डायरेक्ट करंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीसी बोलते हैं. ऐसे लिखा हुआ है, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहे. धारा का भी मान नियत रहे और दिशा का भी मान रहे. तो देखिए दिशा इसमें क्या है जी? पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव है, अगर इसी धारा को अगर नीचे ला दे, जैसे कुछ देर बाद जाके नीचे अगर चले आए तो क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव. नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो उसको क्या बोलेंगे? उसको नहीं बोलेंगे कि दिशा क्या है? नियत नहीं है. वो क्या है? दिशा नियत नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? वो एसी हो जाएगा. लेकिन बात की जाए इसमें तो क्या है, करंट का दिशा क्या है जी? नियत है. तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट बोलेंगे. बोल रहा है कि ये धारा सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त की जाती है. अगर आपको डीसी जनरेट करना तो किसे करेंगे जी? तो सेल से करेंगे, बैटरी से करेंगे, जनरेटर आदि से प्राप्त करेंगे. आपको डायनेमो से भी क्या होता है जी? डीसी करंट पैदा होती है. उपयोग बात करते हैं कि डीसी करंट का उपयोग क्या है. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज किया जाता है जी, आर्क वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में भी किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के प्रचलन में भी किया जाता है. आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं, वो वेरी लो वोल्टेज पे काम करती हैं. और लो वोल्टेज पे काम करने की वजह से ही इन्हें क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में यूज किया जाता है. इलेक्ट्रॉनिक्स आपको जो भी डिवाइसेज है, आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज जो होते हैं, ट्रांजिस्टर होता है, रेजिस्टर होता है, ओपेंप होते हैं, तो वो सब जेनर डायोड है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस है, कुछ गेट्स के डिस्कशन करने हैं, तो वो सब क्या है जी? वो बहुत ही लो वोल्टेज पे वर्क करते हैं, बहुत ही लो वोल्टेज पे वर्क करते हैं. आपको मैं आपको नॉलेज के लिए बता देना चाहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो भी होता है, जो बहुत ही लो वोल्टेज पे काम करता है, बहुत ही एक्यूरेसी पे काम करता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज के अंदर डाला गया है. जबकि जो हाई वोल्टेज पे काम करते हैं उसको हमने इलेक्ट्रिक डिवाइसेज में डाला गया है. इसलिए हमने क्या बोला जी? डायरेक्ट करंट किस पे? ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में यूज किया जाता है. बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी का. तो एसी में क्या है जी? एसी में हम बात करते हैं तो बोल रहा है एसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान एक नियत दर से परिवर्तित रहे. देखिए धारा और दिशा तो चेंज हो रहा है, लेकिन एक नियत दर से भी परिवर्तित होना चाहिए जी. ऐसा नहीं कि एक बार चेंज हो गया एक बार फिर से नहीं चेंज हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो नियत दर भी होना चाहिए. चलिए अब बात करते हैं इसमें, एसी में. तो देखिए एसी का मेरा इमेज है, यहाँ पे क्या है जी? करंट का डायरेक्शन यहाँ पे देखिए, करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. फिर से देखिए अब करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया. क्या हो जाएगा? करंट निगेटिव हो गया जी. पहले 5 एम्पियर था, -5 एम्पियर हो गया ना. तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हुआ है. करंट का मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ है, करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया. इसका मतलब हुआ एक बार करंट ऐसे जा रही होगी, फिर से करंट इधर आ रही होगी, फिर से करंट इधर जा रही होगी, फिर से करंट इधर जा रही है. तो ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में फिर से नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन फिर से नेगेटिव डायरेक्शन है. उसके अलावा जिसमें धारा का मान भी परिवर्तित हो रहा है, तो क्या है जी? इसको हम एसी बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट बनेंगे. इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एसी बोलेंगे. तो आपको भी पता है कि
बहुत सारी जो है एसी जनरेटर है, वो क्या करती है, एसी जनरेट करती है हमारे यहाँ, ऑल्टरनेटर है। उपयोग का बात किया जाए तो घरेलू उपयोग में किया जाता है, इंडस्ट्रियल उपयोग में किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा में, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदर्शन करने में। आपको आपको पता है एसी से बहुत सारे आजकल काम किए जाते हैं, एसी से तो हर चीज ही है। आपको ये पता है कि अभी जो है आपका पेट्रोलियम, डीजल, इस सब का यूज ज्यादा बढ़ गया है, तो हम लोग क्या कहें, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पे ज्यादा अप्लाई किया जा रहा है। आपको रेलवे में भी पता है कि क्या है, इलेक्ट्रिक इंजन से ज्यादा लोकलाइज किया जा रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली में आपको पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो उसके लिए भी क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, उनको क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे लिए जो जो एसी करंट है उसका इम्पोर्टेंस कितना है। अब बात करते हैं जी, हमारे पास दो तो करंट है, एसी है और डीसी है। हमारे पास दो एसी और डीसी है, तो इसमें अंतर क्या है जी, हमने पढ़ने के लिए तो पढ़ लिया, लेकिन एसी और डीसी में हम डिफरेंस कैसे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए देखिए, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा कि एसी और डीसी में डिफरेंस बताए, बट दे आर आस्किंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ डीसी एंड एसी करंट, दैट्स टाइम वी हैव फेसिंग ए प्रॉब्लम, सो वी नो दैट अबाउट द डिफरेंसेज बिटवीन एसी एंड डीसी। तो हम लोग एसी और डीसी के डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग कुछ उनकी प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज दोस्तों, इस पॉइंट को लॉजिकली समझे और याद करें, क्योंकि केवल रटने से याद नहीं होगा, केवल रटने से आपको ये टॉपिक याद नहीं होगा। बात करते हैं एसी और डीसी में। तो देखिए, एसी के साथ विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग जैसी प्रक्रिया नहीं कर सकते। देखिए, एसी में क्या है जी, आपको जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसका रेशियो चेंज हो जाता है, तो आप कैसे कर सकते हैं, एक बार इस तरह डायरेक्शन जाएगा, इस बार इस तरह जाएगा, तो क्या आप डीसी बैटरी चार्ज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बैटरी चार्ज ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए एसी के साथ क्या हो जाए, विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है जी, और बैटरी चार्जिंग नहीं की जा सकती है। डीसी की सहायता से विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग की जा सकती है, क्योंकि डीसी एक ही तरह का है, एक तरह ही क्या होगा जी, एक ही तरफ करंट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बैटरी को चार्ज कर देगा। बात करते हैं एसी दूर तक भेजा जा सुविधाजनक है, क्योंकि इससे ऊर्जा ह्रास कम होता है। देखिए, अब एसी को क्या है, हम लोग देखिए हमारा जो ग्रिड सिस्टम है कितना दूर है, लेकिन उसको सप्लाई कहाँ तक किया जाता है, बहुत दूर तक किया जाता है। लेकिन बात की जाए डीसी, डीसी जो बैटरी है उसका सप्लाई कहाँ तक किया जाता है, आपको देखिए रेलवे में जो बैटरी होता है डीसी होता है, उसका उपयोग कहाँ तक किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा एक कंपार्टमेंट में, दूसरे कंपार्टमेंट करने के लिए फिर से दूसरी बैटरी लगाई जाती है। तो एसी को सुविधाजनक है एक जगह से दूसरे जगह में भेजने में, जिससे कि क्या ऊर्जा का कम ह्रास होता है। लेकिन डीसी क्या है जी, सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है, इसमें क्या होता है जी, एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा है। इसलिए क्या किया जाता है, डीसी को दूर तक भेजने के लिए यूज नहीं किया जाता है। इसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। परिमाण और दिशा क्या जी, समय के साथ बदलता है। इसमें क्या, परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। बात की जाए फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। इसमें परिवर्तन की छूट प्लस माइनस 3% होती है। बोला है इसमें परिवर्तन जो है, मान लीजिए जो फ्रीक्वेंसी 50 है उसमें कितना चेंजिंग हो सकता है, तो प्लस माइनस 3% मान लिया जाता है। बात की जाए डीसी की फ्रीक्वेंसी की, तो डीसी जब है ही, तो डीसी में डायरेक्ट करें तो फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, क्योंकि बदलेगा ही नहीं डायरेक्शन, तो क्या होगा जी फ्रीक्वेंसी। अब बात की जाए तो इंडिया में तो 50 हर्ट्ज है, अगर पूछेगा कि यूएस में कितना हर्ट्ज यूज किया जाता है, तो 60 हर्ट्ज यूज किया जाता है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं जो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पे हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां भी इन क्वेश्चन यूज होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी अगर नहीं दिया रहेगा, हमको यूज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 50 हर्ट्ज यूज कर लेते हैं। इन सब बातों की छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये इसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में हमको जी का मान नहीं दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी का मान नहीं दिया रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। बात कर रहे हैं एक पूरे चक्कर के लिए एसी का औसत मान 0 होता है। बात की जाए, मान लीजिए जब मैग्नीट्यूड और दिशा चेंज हो रहा है, एक बार प्लस रहेगा माइनस रहेगा, तो औसत लीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, ओवरऑल तो 0 हो जाएगा। लेकिन डीसी में तो क्या है, प्लस ही प्लस रहता है या माइनस ही माइनस रहेगा, तो क्या है जी, उसका औसत क्या रहेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, मूल मान के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब तो वो 0 तो नहीं हो सकता है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एमीटर एवं वोल्टमीटर से एसी को नहीं मापा जा सकता। अब बात की जाए, बताइए अब एमीटर मेजर कीजिएगा, जैसे करंट एक बार इधर जा रहा है, एक बार करंट नेगेटिव में जा रहा है, एक बार पॉजिटिव में जा रहा है, तो जो चुंबकीय मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं उन्हें क्या होगा, एक बार इधर डिफ्लेक्ट करेगा जब करंट का डायरेक्शन एक तरफ होगा, दूसरी तरफ जब चेंज होगा तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह हम वोल्ट मीटर ना करंट मेजर कर सकते हैं, ना वोल्ट मीटर मेजर कर पाएंगे। इसलिए क्या है जी, ये अनइफेक्टिव हो जाता है, किसमें, एसी सर्किट में,
क्योंकि इसका एसी का मान क्या होता है, शून्य होता है। जब उसका मान ही शून्य होता है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, हमेशा चेंज होता रहेगा। तो हम इसे नहीं मेजर कर पाएंगे, ना ही करेंट मेजर कर जाएंगे, ना ही वोल्टेज मेजर कर पाएंगे। बात करते हैं कि चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एमीटर एवं वोल्टमीटर से डीसी मापा जा सकता है, क्योंकि डीसी का डायरेक्शन अब चेंज नहीं हो रहा है, तो डीसी तो हम मेजर कर सकते हैं। वोल्ट क्योंकि यहाँ पे एमीटर और वोल्टमीटर क्या करेगा जी, उसका जो एवरेज वैल्यू होता है वो मान करता है। जो डीसी में एवरेज वैल्यू क्या होता है, वास्तविक वैल्यू ही हो जाता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं एसी मापने के लिए रेड हॉट वायर एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो अगर मान लेते हैं एसी तो मेजर नहीं कर सकते, आपने बोला कि जो चुंबकीय प्रभाव वाले आधारित एमीटर वोल्टमीटर उसे नहीं मेजर कर सके, तो भाई किससे मेजर करेंगे, तो बता रहा है कि रेड हॉट वायर जो एमीटर होता है उसका प्रयोग करते हैं जी, जो क्या करता है आरएमएस वैल्यू निकालता है। आरएमएस वैल्यू क्या है जी, रूट मीन स्क्वायर, क्या है जी, रूट मीन स्क्वायर। आपको पता होगा आरएमएस वैल्यू पार्ट सेकंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पार्ट इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक से दे रहे हैं तो आरएमएस वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। और इसी ये आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है, मान लीजिए एक तरह का एसी का, तो इसीलिए आरएमएस वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाएगा और प्रीवियस ईयर पूछा भी गया है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखिए, आप इससे पहले अगर वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन दिखा रखे हैं, और वहां से आप उपकार या स्पार्क पब्लिकेशन कैसे भी देख सकते हैं। बात की जाए रेड हॉट वायर और एमीटर से डीसी भी मापा जा सकता है। देखिए अब इसका तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, तो रेड हॉट वायर यहां भी यूज किया जाएगा, जिसका वास्तविक मान क्या हो जाएगा जी, बताएगा इसका। बात करते हैं तो एसी बैटरी में संचित नहीं कर सकते, बोल रहा है कि एसी को क्या है जी, बैटरी में संचित नहीं कर सकते, डीसी को क्या कर सकते हैं, बैटरी में संचित कर सकते हैं। एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। यानी म्यूचुअल इंडक्शन कब होगा, जब क्या होगा जी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा, जब करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर काम करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज होगा, जैसे डीसी में क्या है, करंट का डायरेक्शन नहीं चेंज होता, जब करंट का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा। म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा जी, ट्रांसफार्मर पूरा हीट होकर बर्नआउट हो जाएगा, बर्नआउट ब्लास्ट मारेगा। तो इसलिए क्या चाहिए हमको, डीसी से हम कभी भी ट्रांसफार्मर में यूज नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन बार बार आता है कि हम ट्रांसफार्मर में कौन सा करंट यूज करेंगे, तो कौन सा करेंगे जी, एसी करेंगे डीसी करेंगे, तो हम एसी करेंगे। क्योंकि डीसी क्या करेगा, डीसी जैसे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम बर्नआउट हो जाएगा जी, ट्रांसफार्मर हीट होकर क्या हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर या डिस्टकारी या रिजुकारी का प्रयोग किया जाता है, ये डायोड का। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाता है कि एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो कितना लड़का रेक्टिफायर नहीं समझता है, रेक्टिफायर समझता है तो डिस्टकारी रिजुकारी। अब देखिए रेक्टिफायर बनता किससे है जी, तो रेक्टिफायर बनता है डायोड से। रेक्टिफायर किससे बनता है जी, डायोड से बनता है। डायोड का सिंबल आपको मैं बताना चाहूंगा कि डायोड का सिंबल ऐसा होता है जी, आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टॉपिक पढ़ना भी है, इसलिए कुछ कुछ जो भी मैं बता रहा हूँ इंडिकेशन सिंबल बता रहा हूँ आप उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रिकल वाले इंजीनियरिंग से जो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन आएगा तो उससे मैच करेगा। तो ये क्या है जी, डायोड का सिंबल है। ऐसे ही ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, वैसे ही ओपैम्प का सिंबल, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल होता है। तो इस सबको हमको पढ़ना पड़ेगा जी सिंबल। बात की जाए डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जाता है, डीसी को एसी में बदलने के लिए क्या जाता है, इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। आपको भी पता है घर में जो होता है हम लोग क्या करते हैं, डीसी बैटरी से क्या करते हैं जी, एसी में बदल कर हम लोग लाइट जलाते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, इन्वर्टर चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस जो भी प्रॉपर्टी है, ये जो करेंट की जो भी प्रॉपर्टी है, आप उसको याद रखिएगा। एसी को और डीसी में हमने दो पार्ट में बांट रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक देखिएगा, अगला हमारा टॉपिक क्या है जी, तो विद्युत धारा के क्या है जी, प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए तो अभी तक हमने मैकेनिकल में क्या पढ़ा था जी, आप अगर स्पीड वेलोसिटी में जाएंगे टॉपिक में, तो हमने क्या पढ़ा था, पावर हमने निकालना सीखा था, एनर्जी निकालना वहां भी सीखा था, तो वर्क पावर एनर्जी हमने वहां पढ़ा था। तो उसमें क्या था जी, ऊर्जा हमने निकाला था, पावर निकाला था, शक्ति निकाला था, लेकिन वो क्या था, मैकेनिकल का था। वो क्या था जी, मैकेनिकल का। अब हम किसकी बात करने वाले, तो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पावर क्या होता है, हीट क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ठीक है जी। तो अब आते हैं इस प्रभाव के अनुसार, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। बोला है
किसी वायर में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उससे क्या होती है जी, हीट जनरेट होती है। बात कीजिए आप बल्ब में, बल्ब में क्या होता है जी, आप जब करंट पास होता है तो क्या होता है बल्ब में, उसमें से लाइट भी निकलता है और बल्ब देखो ना हीट भी हो जाता है। तो क्या हो जाए उसमें प्रभाव ना, तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। वो हीट होना है क्या जी, उसमें प्रभाव है। इसकी खोज किसने की थी, जूल ने की थी। इसका प्रभाव के अनुसार जो हीट होता है क्या होता है, किसके किसके जी, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर ऑफ करेंट के प्रोपोर्शनल होता है, क्या जी, धारा के वर्ग के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए हीट का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर टी, जहां एच क्या है जी उस उत्पन्न उष्मा है, आई क्या है धारा है, आर क्या है रेजिस्टेंस है, टी क्या है टाइम है। तो वी कैन सी डैट द हीट जनरेटेड बाय द एन इलेक्ट्रिक करेंट इज एच, वेयर एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई इज द करेंट एंड आर इज द रेजिस्टेंस, टी इज द टाइम इन सेकेंड, आर इन ओम, आई इन एम्पियर, एच इज हीट, दैट आर इन जूल। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें रेजिस्टेंस करंट हमें एम्पियर में लेना है, रेजिस्टेंस किस में लेना है जी ओम में लेना है, टी किस में लेना है टाइम में लेना है, और हीट को किस में लेना है जूल में लेना है। ये यूनिट एसआई यूनिट है, इस एसआई यूनिट को ध्यान रखिएगा। हमने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा था, हमने उसमें बहुत सारे ऐसे यूनिट निकाले थे, तो आप उस लेक्चर को भी जाकर देख सकते हैं। बात की जाए हीट की, क्योंकि हमें जो जो वर्ड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जो भी वर्ड आएगा हम उसका यूनिट डायमेंशन हमको समझना है। तो बात करते हैं हीट की, क्या होता है जी, पावर इनटू टाइम। जब ये एनर्जी है तो पावर इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा जी, एनर्जी मिलेगा। एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, आई का वैल्यू क्या होता है वी वाई आई, जब ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई आर रखेंगे आई की जगह तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आई पावर इंटू टी। तो ये क्या है जी, पी क्या है मेरा पावर है, वी क्या है मेरा वोल्टेज है, आई मेरा क्या है जी करंट है। तो सबका एसआई यूनिट याद रखिएगा, और एसआई यूनिट आपका पता है तो एसआई यूनिट में ही सब कुछ रखना है जी। कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम उसको किस में निकालेंगे जी, एसआई यूनिट में निकालेंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि जो जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको एसआई यूनिट में ही निकालना है। किस में निकालना है जी, तो एसआई यूनिट में ही निकालना है, और एसआई यूनिट में ही आंसर आएगा। अगर आप यूनिट का आपको प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपका आंसर गलत आ सकता है, हो सकता है आंसर क्या हो दूसरे यूनिट में भी दिया हो ऑप्शन में, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें। बात करते हैं इसकी खोज जो जूल ने की थी, इसलिए इसे जूल का प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोल रहा है कि 36 × 10^5 या 3.6 × 10^6 जूल के बराबर होता है। तो ये देखिए बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या है जी, आपको पता है आप जब बिजली का बिल देते हैं तो आपको पता किया जाता है कि 6 रुपया 7 रुपया 8 रुपया पर यूनिट क्या है जी बिजली का है। तो वही है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यही यूनिट की बात की जाती है वहां पे, क्योंकि आपको जो भी बिजली बिल देना होता है किसके हिसाब से देना होता है, यूनिट के हिसाब से देना होता है, और उसी की बात की जा रही है यहाँ पे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो आप बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को ध्यान रखेंगे कि क्या होता है जी 3.6 × 10^6 जूल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यूनिट में कितना जूल होता है, एक हॉर्स पावर में कितना जूल होता है। तो ये सब भी जो आपको यूनिट और डायमेंशन के लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था उस सबको, जो कन्वर्जन पढ़ाया था उसको भी आप याद कर लीजिएगा। और टेम्परेचर कन्वर्जन हम किस में पढ़ेंगे जी, हीट एंड टेम्परेचर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हमने उसको हीट एंड टेम्परेचर को जब आएगा टॉपिक तो उसमें हम कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण, तो उसमें प्रभाव पे तो भाई उष्मा से रिलेटेड कौन है, तो बात की जाए विद्युत प्रेस इलेक्ट्रिक क्या है, हीट तो जनरेट करता है ना जी, हीट जनरेट करता है, तो इलेक्ट्रिक आयरन क्या है जी उस पे काम करता है। हीटर किस पे काम करता है जी, खाना बनाने में हीटर यूज होता है, आग तापने में हीटर का यूज होता है, बल्ब में भी हीट निकलता है जी, और जो भी हीट से रिलेटेड चीजें हैं उनको कहा किया जाता है जी, वो तो किस पे उष्मीय प्रभाव पर आधारित है जी, किस पे आधारित है जी, तो उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। आप फिगर में देख सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटर है, बल्ब है, इन सबको हम क्या करेंगे जी एक एक करके हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिक की तरफ। तो देखिए सॉरी मैग्नेटिक की बोल रहा है इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अंदर विद्युत इलेक्ट्रिक आयरन भी क्या है कि इलेक्ट्रिक डिवाइस है, क्या है जी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। इसमें अवरक का एक प्लेट होता है, ठीक है जी, इसमें जो प्लेट है इसमें दिखा रखा है क्या है जी, पूरे आयरन को आपको खोल रखा है, ठीक है जी। इसमें बोल रहा है कि इसमें अवरक का एक प्लेट होता है जो उष्मा का सुचालक होता है किंतु विद्युत का कुचालक होता है जी। अब देखिए अवरक का प्लेट जो उष्मा का क्या रहे जी सुचालक रहे, यानी हीट जो जनरेटर है
करे, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन विद्युत का क्या है जी, कुचालक है। विद्युत का क्या है जी, कुचालक है, क्योंकि हम उसी प्लेट को क्या करेंगे, कपड़ा पे रखेंगे, तो क्या होगा जी, हमको तो आयरन करंट भी तो नहीं लगना चाहिए ना, तो करंट नहीं लगना चाहिए तो कुचालक चाहिए, तो हमको क्या मिला, विद्युत का कुचालक मिला। लेकिन उष्मा तो जाना चाहिए ना उससे, क्योंकि जो प्लेट होगी नीचे वाली प्लेट, उसमें से हीट जाएगा तो ही तो क्या हो जाएगा जी, कपड़ा को क्या होगा, पूरा प्लेन करेगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, अबर की प्लेट होती है जो उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, हिट जाएगा लेकिन करंट नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पता चला आदमी क्या हुआ जी, ऊपर ही ऊपर लटक गया। तो ये सब चीज क्या है, टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ को सिंपल बनाती है और इसी को हमको समझना है जी। जिस पर नाइक्रोम, नाइक्रोम क्या होता है जी, निकल और क्रोमियम, देखिए निकल और क्रोमियम का बेटा कौन है जी, नाइक्रोम है। एक कुंडली होती है जिस जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म हो जाती है, क्या होती है जी, गर्म हो जाती है। नाइक्रोम का प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होता है, नाइक्रोम का क्या हो जाता है, प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, इसीलिए क्या होता है, नाइक्रोम यूज किया जाता है। बात करें हीटर में, हीटर देख सकते हैं आपको, एक खाना बनाने में भी यूज होता है, आग तापने वाले में भी, हीटर में भी यूज होता है, कोई भी हीटर हो, कहने का मतलब क्या, जो हीट जनरेट करे उसको क्या बोलेंगे, हीटर बोलेंगे। बोला है इसमें चीनी मिट्टी का एक प्लेट लगा होता है, देखिए अब चीनी मिट्टी का प्लेट क्यों लगा रहता है जी, क्योंकि वो क्या है, विद्युत और उष्मा दोनों का क्या है, कुचालक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चीनी मिट्टी का एक प्लेट लगा होता है जो उष्मा और विद्युत दोनों का क्या होता है, कुचालक रहेगा, तो ही तो हीट यहाँ से जनरेट होगा, तो इससे पास नहीं होगा जी, हीट यहीं से जनरेट होगा तो इससे पास नहीं होना चाहिए, हीट यहीं का यहीं टोटल रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, खाना हम पका सकते हैं, क्योंकि यहीं पे हीट यूज करना है, हमको बाहर नहीं ले जाना है जी, इससे कुचालक चाहिए। बात की जाए विद्युत का कुचालक क्यों चाहिए, तो विद्युत का कुचालक नहीं रहेगा तो भाई हम इसको पकड़ेंगे कैसे, सराउंडिंग से क्या है, करंट पास हो जाएगा, इसलिए करंट से सराउंडिंग में नहीं जाना चाहिए, इसलिए भी क्या चाहिए, विद्युत का भी कुचालक चाहिए। इस प्लेट पर नाइक्रोम की बनी मिश्र धातु की एक कुंडली होती है, बोला इस प्लेट पर क्या है, नाइक्रोम की बनी एक क्या है जी, मिश्र धातु है, वही एक कुंडली की तरह बना रहता है, देखिए ये भी कुंडली क्या है जी, बना हुआ, तो क्या है मेरा, हीटर है। हीटर कोई भी हो, शेप में हो सकता है, शेप अलग अलग है, लेकिन एप्लीकेशन क्या है जी, हीट जनरेट करना है। बात की जाए बल्ब की, तो बल्ब तो आप सबने देखा होगा आजकल, तो बल्ब क्या CFL भी आ रहा है, CFL का फुल फॉर्म क्या होता है जी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, CFL होता है। LED भी बल्ब आते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, देखिए डायोड, डायोड हमने यहाँ पे क्या जनरेट किया जी, लाइट जनरेट किया, यही डायोड से मैंने क्या बताया था, ये रेक्टिफायर भी है, डायोड क्या है जी, रेक्टिफायर है, जो क्या करता है, इसी को DC में भी कन्वर्ट करता है। तो हम डायोड बहुत तरह के होते हैं, डायोड क्या होते हैं जी, बहुत तरह के होते हैं, उनके सिंबल भी अलग अलग हो जाते हैं, जिस डायोड को हम लाइट जनरेट करने में यूज करेंगे उसका सिंबल अलग हो जाएगा, जिस डायोड को हम इसी को DC में कन्वर्ट करने में करेंगे तो उसका सिंबल अलग हो जाएगा। हम लोग वहां पर सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन वाले टॉपिक में कवर किए हैं, इस टॉपिक को भी आप लोग देख लीजिएगा, आप जाइए प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप वहाँ पर मिल सकता है आप टॉपिक, और कवर कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए, मेरे हिसाब से इस बार प्रैक्टिस बहुत मैटर करेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन की मिस्टेक आपको बहुत सिले मैंने दूर ले जा सकती है, अगर अच्छा नंबर आएगा तो आपका सिलेक्शन भी तो पहले होगा, ये भी तो सोचिए, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग में पहले होगा, तो इन सब भी मैटर करता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वो, तो आप सोचिए, आप सोचना ही नहीं है कि कम नंबर लाना है, तो भाई हमें तो सोचना है कि हमें अधिक से अधिक नंबर लाना है, कि ज्वाइनिंग भी मेरा जल्दी हो, ज्वाइनिंग मगर मान लीजिए जल्दी होता है तो हमें पैसा भी तो जल्दी मिलेगा जी, सारी दुनिया उसी के लिए मर रही है, सब पावर, पावर पैसा, टाइम मनी, ऑल अबाउट, सभी लोग तो इसी के पीछे घूम रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बल्ब की बात कर रहे हैं, तो बोल रहा है इसमें क्या होता है जी, आपने बल्ब देखा ही होगा घर में, ये कांच का एक बर्तन होता है जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है, ये तंतु गलनांक और प्रतिरोध ऊंच होता है, परंतु यह उच्च तापमान ऑक्सीकृत हो जाता है, उच्च तापमान में क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए पहले बल्ब में निर्वात रखा जाता था, परंतु निर्वात में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा नहीं हो पाने के कारण टंगस्टन पिघलकर वाष्पीकृत हो जाता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए आजकल बल्ब में नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसी गैस भरी जाती है। तो देखिए हम लोग बल्ब पढ़ लिए, बल्ब में ऐसा कुछ पढ़ने वाला है नहीं, तो ऐसे बल्ब में हम, लेकिन जो जो हमें पॉइंट याद करने हैं मैं उसको क्या कर रहा हूँ, आपको हेडलाइट मैंने आपको याद कर लीजिए, ये सब पॉइंट्स मैं आपको इम्पोर्टेंट की तरह इंडिकेट कर दे रहा हूँ, तो इन सब पॉइंट को आप याद कर लीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ऐसे फिलामेंट वगैरह पढ़ने का उतना कोई ज़रूरत नहीं है। फिलामेंट का तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 तक होता है,
बल्ब में प्राथमिक रूप से विकिरण, मध्यम रूप से सम्मोहन और अंतिम रूप से चालन होता है। बल्ब में क्या होता है? प्राथमिक रूप से विकिरण होता है, जी विकिरण का मतलब क्या होता है, और मध्यम रूप से सम्मोहन और अंतिम रूप से क्या होता है, चालन होता है। बल्ब फटने पर आवाज करना बाहर से अंदर जो हवा जाती है उसके कारण होता है। कभी कभी बल्ब काला, कांच काला हो जाता है, टंगस्टन को आविष्कृत हो जाने के कारण ये होता है। आपने भी देखा होगा क्या होता है जी, काला पड़ जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो गया है। इन्हीं सबको हम दूर करने के लिए क्या पढ़ रहे हैं जी, बेसिक हमने बल्ब पढ़ा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। बताए कि किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बोल रहा है कि मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक एरिया जनरेट हो जाती है। यह विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज किसने किया था? जो एचसी और स्टेड ने किया था, एचसी और स्टेड ने किया था। बात करें चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, तो बात चुंबकीय प्रभाव पे, जैसे इलेक्ट्रिक पे हमने पढ़ा था कि कौन कौन से उपकरण है, कौन कौन से डिवाइसेस है, इस पे भी तो कोई ना कोई डिवाइसेस होगा ना, तो वही बात करें कौन कौन सा था, गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, इलेक्ट्रिक बेल है, फैन है, मोटर है, तो ये सब क्या है जी, जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पे आधारित है। तो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से हम लोग ये डिवाइसेस बनाते हैं। अब बात करेंगे इन डिवाइसेस का, लेकिन इनका यूज कहाँ करते हैं जी, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ही हम करते हैं। कहाँ करते हैं जी, इलेक्ट्रिक सर्किट में ही करते हैं। पहला मेरा है जी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में क्या है जी, तो एमीटर। देखिए कभी भी जो हम डिवाइसेस पढ़ रहे हैं तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट, ये सब याद रखिए, यूनिट एंड डायमेंशन, ये सब आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट जो जो भी डिस्कस कर रहा हूँ प्लीज उन सबको याद रखिएगा। देखिए गैल्वेनोमीटर को जी से, गोले से घेर दिया जाता है और जी लिख दिया जाता है, उसमें क्या हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या है जी, जी से सिंबल किया जाता है। बात की ये क्या हो जाए, सिंबल हो गया, लेकिन गैल्वेनोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है, तो बोला यह बहुत कम धारा को मापता है, लगभग 10^-6 एम्पियर विद्युत धारा देने वाले पर यह जल जाएगा। बोल रहा है कि माइक्रोमीटर में, माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा, 10^-6। आपको मैंने यूनिट डायमेंशन में पावर पढ़ाया था, उस पावर को भी याद रखिएगा। तो माइक्रो एम्पियर में जो करंट पैदा होती है जी, उसको क्या करता है, मेजर करता है, पर यह जल जाएगा। यह श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, किस में लगाया जाता है जी, श्रेणी क्रम में। अगर हाई करंट मेजर करना होगा तो क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा, ठीक है जी। अब बात करें श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, देखिए जी यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर में अगर एक संट रजिस्टर लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया जी, संट रजिस्टर लगा दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज रहेगा और इसके क्रॉस जो वोल्टेज रहेगा क्या रहेगा जी, बराबर रहेगा, यानी वी जी बराबर रहेगा वी एस, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा। बात की जाए वी एस, मानते हैं यहाँ से करंट आई आ रहा है जी, करंट कितना आ रहा है, आई करंट आ रहा है, तो इस गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है जी, आई जी जा रहा है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में कितना जा रहा है, आई जी, तो इधर कितना जाएगा, आई माइनस आई जी करंट जाएगा। अब फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगी, आई करंट हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझिएगा, हम कहाँ बढ़ रहे हैं जी, तो हम एमीटर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ठीक है। ये मेरा क्या है, गैल्वेनोमीटर का करंट है, तो देखिए इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा जी, देखिए इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा आई जी इंटू इसका रेजिस्टेंस हमने क्या माना, जी मान लिया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस क्या है जी, एस, इसको रेजिस्टेंस को हमने एस मान लिया, ठीक है। इसको, इस रेजिस्टेंस को एस से डिनोट कर रहे हैं जी, तो क्या हो जाएगा, इधर करंट कितना जा रहा है, आई माइनस आई जी इंटू एस, तो करंट इंटू रजिस्टर मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ से हम संट रजिस्टर का वैल्यू निकाल लिए, क्या निकाल लीजिए, आई जी अपॉन जी माइनस बट्टा आई माइनस आई जी, तो यहाँ से मेरा संट रजिस्टर का वैल्यू आया, किस में आया जी, तो गैल्वेनोमीटर का। चलिए अब बात कर रहे हैं कि संट रजिस्टर लगाए क्यों है जी, संट रजिस्टर लगाए क्यों है, तो बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो और डिवाइसेज होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेज होते हैं, तो एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो हम इसको भी थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि देखिए ये बुक है तो इसको दिखाना हमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, लॉजिक तो है मेरे पास लेकिन हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इसी से बताता हूँ। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ बताना है, अगर आप मैंने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके न्यूमेरिकल बनाइए, आपको उसी से पता चल जाएगा कि मेरे पढ़ाने का लेवल क्या है, नॉलेज का लेवल क्या है। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पर जाएं और उस लेक्चर को भी देखें, क्योंकि मैं पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ और उसके बाद न्यूमेरिकल कराता हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने क्या बताया यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया था, उधर क्या बताया था, यूनिट के बारे में बताया था, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे अलग कंसेप्ट सीखेंगे फिर से जी। न्यूमेरिकल बनाने के लिए कंसेप्ट की एक्स्ट्रा जरूरत चाहिए हमें, और वहाँ पे सारे छोटे छोटे बातों को भी ध्यान देना पड़ता है। तो प्लीज़ थ्योरी पहले पढ़िए, जिस भी
जिस भी टॉपिक आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद ही न्यूमेरिकल की तरफ बढ़िएगा। नहीं तो न्यूमेरिकल बनाने में आप अपने को असमर्थ महसूस करेंगे। यू आर इनइफिशियंट टू सॉल्व दिस ऑल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू रिलेटेड टू द इवन दो यू स्टडी दोज टॉपिक्स। अगर आपने उस टॉपिक पढ़ा भी होगा तो भी क्या करेंगे आप बहुत सारे इनइफिशियंट फील करेंगे जी। मतलब आप हो सकता है कि आप लाएं उसके आसपास लाएं, गलत लाएं, यूनिट इधर गलत रहे उधर रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह ऊंच धारा को मापता है। अब एमीटर की बात करते हैं। गैल्वेनोमीटर में क्या प्रॉब्लम था जी, ऊंच धारा को नाप नहीं रहा था। तो अब चलते हैं किसको, एमीटर को लाएं कि ये तो ऊंच धारा नापेगा ना। तो ये ऊंच धारा को नापता है। धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए एक क्रम प्रतिरोध का तार धारा मापी के समानांतर क्रम में लगाते हैं, इसे संट कहते हैं जी। बोला है कि अगर जो भी गैल्वेनोमीटर है उसका संट में रजिस्टर लगाएंगे जी, ठीक है ना। संट में रजिस्टर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो एमीटर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि आई मेरा क्या था जी, कुल धारा था। यहाँ पे आई मेरा क्या था जी, टोटल करंट था। जी क्या था जी, तो जो धारा मापी जो गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रहा था करंट, उसको हमने आई जी लिखा था। जी क्या है जी, धारा मापी का प्रतिरोध था। जो गैल्वेनोमीटर था उसका क्या था जी, प्रतिरोध था। एस क्या था, संट प्रतिरोध था। तो ये क्या है, पैरेलल रेजिस्टेंस एस है जी, संट रेजिस्टेंस है। इससे हाँ, संट और पैरेलल देखिएगा यहाँ पे दोनों सेम ही बात होती है, ठीक है ना जी। तो संट लिखा गया है एसओ, ठीक है, कहीं पी भी लिखा हो सकता है। इस परिपथ में श्रेणी में लगाया जाता है क्योंकि श्रेणी में धारा समान होती है, ठीक है जी। परिपथ में बोल रहा है जी, इसे परिपथ में किधर लगाया जाता है। अब जहां का करंट मेजर करना है जी, अगर मान लीजिए हमको इस सर्किट का मेजर करना है करंट, तो हम इसके सीरीज में ही तो लगाएंगे ना। तो श्रेणी में धारा परिपथ में श्रेणी में लगाया जाता है। वही बोल रहा है कि क्या जी, हमको परिपथ में कैसे लगाना होगा, श्रेणी में एमीटर को लगाएंगे। जब करंट मेजर करना रहेगा तो क्या लगाएंगे जी, एमीटर में। लेकिन 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 बात याद रखिए, ये पॉइंट नोट करने वाले, पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट, अगर हमको इस सर्किट का करंट मेजर करना था तो हमने इस एमीटर को किस में लगाया जी, सीरीज में लगाया। लेकिन लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर को, अगर गैल्वेनोमीटर को हमको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या जी, रजिस्टर किधर लगाया, संट में लगाया। किधर लगाया, पैरेलल में लगाया। ये बात समझने वाली है। गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमको पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना होता है, संट रजिस्टर लगाना होता है। लेकिन जब करंट मेजर करते हैं, जब करंट मेजर करते हैं किसी सर्किट में, तो हम उसको सीरीज में लगाते हैं जी, सीरीज में लगाते हैं यानी श्रेणी क्रम में लगाते हैं जी। तो श्रेणी में लगाया जाता है परिपथ में। इस बात को नोट कीजिए। वैसे ही जब वोल्ट मीटर का भी कंसेप्ट आएगा तो वोल्ट मीटर में डील करेंगे इसी दोनों बातों को। ये बातें हमेशा कंफ्यूजन में रहता है लड़का सबको, यही मेन कंसेप्ट है। और इसी सब छोटी छोटी बातों से क्या होता है, आंसर गलत हो जाता है आपका। एमीटर का प्रतिरोध संट के प्रतिरोध से कम होता है। बोला है एमीटर का जो प्रतिरोध होता है संट के प्रतिरोध से क्या होता है जी, कम होता है। यानी ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो, कम होता है इस वाले रेजिस्टेंस से। एमीटर का प्रतिरोध संट के प्रतिरोध से कम होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए जी। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है जी, शून्य होता है। कोई आदर्श डिवाइसेज नहीं होते, कोई भी आइडियल डिवाइसेज तो नहीं है हमारे पास, हमारे पास कोई भी आइडियल डिवाइसेज नहीं है। लेकिन हम लोग आइडियल का भी कैलकुलेशन करते हैं जी, हम लोग क्या करते हैं, आइडियल का भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारे पास आज तक तो कोई भी आइडियल डिवाइसेज नहीं है। बट इवन दो यू आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल डिवाइसेज इन आवर सिलेबस, बिकॉज यू आर टेकिंग द एडवांटेज एंड कैलकुलेशन फॉर दो सिंबल्स। देखिए हम लोग बात की जाए कि आइडियल लेते क्यों है भाई, जब उसका यूज ही नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में है ही नहीं, तो आइडियल क्यों लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर मान लीजिए हमको कुछ जानकारी नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है, तो हमको किसी चीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए ना जी। हम आइडियल केस लेकर कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसे एनालिसिस कर लेते हैं कि अब इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग आइडियल से हेल्प लेते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर वे में कैलकुलेशन करना हो तो हम लोग आइडियल से नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे आइडिया ले सकते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अगला मेरा डिवाइसेस क्या है जी, वोल्ट मीटर है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में हमने एमीटर का बात किया, अब वोल्ट मीटर का बात कर रहे हैं जी। जब भी वोल्ट मीटर का बात करेंगे तो देखिए, यूनिट पर ध्यान रखिएगा, सिंबल पर ध्यान रखिएगा, आपको सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन टॉपिक भी है, यूनिट और डायमेंशन भी है जी। तो यूनिट और डायमेंशन भी याद रखिएगा, कैलकुलेशन के लिए सही यूनिट याद रखिएगा सबका, और इफेक्ट याद रखिए जी, कन्वर्जन याद रखिए। ये सब जो आपको यूनिट और डायमेंशन टॉपिक में भी कवर कराया हूँ, आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए वहाँ पे और उस वीडियो को भी देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। अभी तक अपनी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें
कि इस वीडियो सीरीज को देखें और हमारे वीडियो चैनल के पार्ट बने जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वोल्टमीटर की तरफ। तो यह वोल्टेज को मापता है जी। वोल्टमीटर के नाम से ही पता चल रहा है कि वोल्टमीटर है जी, वोल्टेज मेजर करेगा, तो वोल्टेज को मापता है। ठीक है, धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध का तार धारा मापी श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। देखिए वहां पे करंट में क्या लगा रहे थे जी, कौन सा प्रतिरोध लगा रहे थे, पैरेलल में लगा रहे थे। अब ये तारा इस श्रेणी क्रम में लगा रहे जी। देखिए यहां बात समझने वाली है, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, हमने क्या किया, रजिस्टर लगाया जी। हमने इससे पहले एमीटर में यहां पर रजिस्टर लगाया था, पैरेलल में, यहां पे हमने क्या किया, सीरीज में श्रेणी क्रम में क्या किया जी, रजिस्टर लगा दिया। तो ये क्या हमने बनाया, वोल्टमीटर बनाया। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, ये भी पूछा जाएगा और वो भी पूछा जाएगा और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। देखिए हमको गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर बनाना है तो हम क्या करेंगे जी, सीरीज में लगाएंगे रजिस्टर। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम यहाँ पे पैरेलल में रजिस्टर लगाएंगे जी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए सर्किट में कहीं अगर वोल्टेज मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे जी, हमको सर्किट में कहीं वोल्टेज मेजर करना है, ये पॉइंट मेरा ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करना है तो हम सर्किट में इसको पैरेलल में लगाएंगे जी। कहाँ लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे जी। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसे परिपथ में समानांतर लगाया जाता है क्योंकि समानांतर में वोल्टेज समान होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है जी, अनंत होता है। देखिए किसी सर्किट का जब वोल्टेज मेजर करना है तो उसमें हम कहाँ लगा रहे हैं जी, समानांतर में लगा रहे हैं, पैरेलल में लगा रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। ये दो चार बातें हैं, इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। कन्फ्यूजन हो तो आपके पास वीडियो है, थोड़ा उसको रिमाइंड में ले जाइए और बैक में जाकर आप इसको देखिए, इसको समझिए। ठीक है ना, लॉजिकली समझना है, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं भी क्या है जी, वोल्टेज है, आई क्या है, करंट है, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, आर क्या है जी, तो मल्टीप्लायर का प्रतिरोध है, ए क्या है जी, वी आर जो है मल्टीप्लायर का प्रतिरोध है। यहाँ तक आपने, मुझे आशा है कि आपने सब कुछ समझ रखा है। जैसे हमने गैल्वेनोमीटर में कैलकुलेशन किया था वैसे ही वोल्टमीटर में कैलकुलेशन करेंगे जी। यहाँ का जो वोल्टेज होगा वही तो मेजर करेगा ना जी, तो चलिए यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करते हैं, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज जो क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज, तो वी आर प्लस वी जी। तो वी आर क्या होगा जी, इसमें जो करंट मान लीजिए आई जा रहा है, करंट आई जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस क्या है जी, आर है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है जी, आर है, तो आई इंटू आर हो जाएगा इसके क्रॉस वी आर। ये गैल्वेनो के अनुसार क्या हो जाएगा, इसमें भी करंट आई जा रहा है जी और इसका रजिस्टर क्या है जी है, तो आई जी। ठीक है, अब बात की जाए कि चलिए इसमें बात कर रहा है अब, ठीक है इसको कैलकुलेशन किया है, आई निकाला है जी। ठीक है, इसको आर को निकालना है, इस आर को निकालने के लिए क्या करेंगे जी, तो आई इसको ले जाएंगे उधर, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं सिंप्लीफाई यहीं पर कर रहा हूँ, वी माइनस आई जी बराबर आई आर। ठीक है जी, तो यहां से हमको आर निकालना है तो क्या करेंगे, वी माइनस आई जी बाई आई। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, वी बाई आई माइनस जी बराबर क्या हो जाएगा जी, आर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि मल्टीमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, उसका अगर वैल्यू निकालना है तो हम इस सब जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, जो वोल्टेज इसके क्रॉस जो मेजर करना है वो, और करंट के अनुसार क्या कर सकते हैं जी, मेजर कर सकते हैं। यहां से आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो प्लीज आप अपने से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा क्योंकि हमको ये कैलकुलेशन में क्या आएगा जी, यूज आएगा। हमने दो चीज सीखा है, क्या चीज सीखा जी, इस अब चलिए अगर बोलते हैं, इसे परिपथ में कैसे लगाया जाता है, समानांतर लगाया जाता है क्योंकि समानांतर में वोल्टेज समान होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। याद रखिएगा, वहां पे हमने पढ़ा था आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है जी, शून्य होता है, यहाँ पे आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिमाइंड कीजिएगा और पीछे जाकर आप इसको दोबारा से रिविजन कर लीजिएगा। लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, जो भी मैंने डिफरेंसेस बताए, किसमें एसी और डीसी में अंतर बताए थे, और हमने एमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस बताया है, गैल्वेनोमीटर मैंने बताए हैं, तो इन सबको आप एनालिसिस कीजिए, पढ़िए अच्छे से। थैंक यू सो मच। बस आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आएंगे तो हम लोग केमिकल इफेक्ट पढ़ेंगे, फैराडे लॉ पढ़ेंगे, विद्युत लेपन वगैरह पढ़ेंगे,
किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। जब किरचॉफ लॉ हम लोग पढ़ लेंगे, किरचॉफ के दो लॉ होते हैं किरचॉफ के, तब उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे पहुंचेंगे। उसके बाद हम लोग पावर एनर्जी वगैरह सब कैलकुलेशन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने उठाया है। उसके बाद ट्रांसफार्मर का डिस्कशन करेंगे, तो ये सब। उसके बाद सीरीज पैरेलल कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या है, रजिस्टर कलर कोडिंग पढ़ेंगे। तो ये सब क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने इसको अच्छे से पढ़ना है। और जो भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप जो प्रीवियस लेक्चर जो भी मैंने चैनल पर डाले, अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाइए, यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर सारे टॉपिक्स डाले गए हैं, आप उसको क्लियर कीजिए। कंसेप्ट क्लियर करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कंसेप्ट क्लियर करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट नहीं क्लियर कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं चैलेंज ले रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी चैनल, इंडिया का कोई भी चैनल मुझे टक्कर नहीं दे सकता जी। चाहे कोई भी चैनल हो, कितने भी सब्सक्राइबर हो, मैं इतना गारंटी के साथ देता हूँ, मुझे जो नॉलेज है मैं उसी को बताऊंगा, मुझे जो नॉलेज नहीं है मैं उस टॉपिक को ही छोड़ दूंगा जी, मैं नहीं बताऊंगा। भले कह दूंगा आपसे कि मुझे नहीं आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है जी, ठीक है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं बता सकता जी। थोड़ा सा भी आपको भी पता है कि बहुत बड़े 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 चैनल हैं, चार चार पाँच पाँच मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और वो भी गलत पढ़ा रहे हैं जी बोर्ड पे, और अगले दिन आकर क्या करते हैं, करेक्शन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या नॉलेज लेवल है उन लोग का, क्या नॉलेज है, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।